कैसे आप इसलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देख सकते हैं आप, हमारे पास में आ चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से एक और प्रोडक्ट, और आज हम इसे अनबॉक्स करेंगे और चेक करेंगे किस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है और कैसा है ये प्रोडक्ट, सारा कुछ इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फटाफट से इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो हमने इसे कट कर लिया है और बॉक्स में से निकाल दें। प्रोडक्ट की प्राइस एक बार चेक करेंगे इसके अंदर में, हाँ यहाँ पर है। तो स्लिप पे चेक कर लेते हैं, पर प्राइस इसकी मुझे मिल जाती है 397 की, मतलब 397 का प्राइस है इसका, 397 मुझे पड़ा है। और इसके बॉक्स को निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है फास्ट ट्रैक का ये लोगो, और फास्ट ट्रैक का ईयर वियर, अगर आई वियर दिखा रहा है तो आई वियर का मतलब यहाँ पे हुआ आँख पे पहनने वाला, यानी कि आप जानते ही हैं सनग्लासेस है, सनग्लास यहाँ पर है। यहाँ पर इसके अंदर में अगर देखें तो इस तरीके का मिलता है फास्ट ट्रैक के लोगों के साथ में आने वाला ये कपड़ा। अब इसकी क्वालिटी ठीक ही ठाक है, तो ये इससे हम अपने सनग्लासेस को साफ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ही सनग्लास है, ग्लासेस नहीं है। चलिए इसको हम पूरा निकालते हैं। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और क्वालिटी अगर चेक करें तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलती है यहाँ पर। इसको हम स्टिकर को यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये है स्टिकर, इसको साइड करते हैं और ये है क्वालिटी इसकी। एक बार हम इसे साफ करते हैं, वियर करते हैं, चेक करते हैं फेस पे ये कैसा दिखेगा हमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें। बस इतनी चीज़ें मिलती हैं, अब इसके साथ में क्या है वो चेक किया जाएगा एक बार। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फास्ट ट्रैक का इस तरीके का लोगो बना हुआ, जिसे आप देख सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक का इस तरीके का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जाएंगे तो अंदर में कुछ इस तरीके की मेंशन है फास्ट ट्रैक, और साथ साथ इसके कुछ कोड जिसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये है अंदर में साइड में इसके, और इधर अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आपको फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग का लोगो मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये है साइड से ग्लासेस का कुछ लुक इस तरीके से, सामने से फ्रंट से ये लुक आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से इसे वियर करते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं कि कैसा लगता है फेस पे ये देखने के बाद में। ओके, तो ये है फेस पे वियर करने के बाद की क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लग रहा है यहाँ पर साइड से, और इस साइड से अगर चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का लुक मिलता है। निकालने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा फेस है और फेस पे मेरे ये इस तरीके का बैठ रहा है। तो अब आप देखिए कि आपके फेस पे कैसा सूट होगा। और एक ये मैं अभी वेयर किया हूँ, और इसके बाद से मेरे फेस पे काफ़ी मुझे वाइट सूट करता है, तो मैं आपको दिखाऊं। मैंने एक ये भी मंगाया था रॉयल सन का, इसकी अनबॉक्सिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी देखने के लिए। तो रॉयल सन का भी मैंने अनबॉक्स किया था इसको, और इसकी क्वालिटी डेफिनेटली नो डाउट मुझे काफ़ी बेटर लगी। ये भी है प्रोडक्ट महंगा, 399 का है, मतलब 400 का ये प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। तो एक बार मैं इसे भी वेयर करके दिखाता हूँ कि ये मेरे फेस पे कैसा लगता है। और ये फास्ट ट्रैक का है और ये रॉयल सन का है, तो ये वाला मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि प्रोफेशन के हिसाब से, अगर आप, मैं एक्चुअली टीचर हूँ तो मुझे ये वाला थोड़ा सा, हाँ ड्राइविंग में करेंगे तो डे के टाइम में काफ़ी अच्छा रहेगा ये वाला, तो इसलिए मैंने इसे प्रेफर किया। और जो ये है, ये एनी टाइम कभी भी आप इसे पहन सकते हैं, तो नो डाउट दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी क्वालिटी ठीक ठाक है, फेस पे मेरे सही ये सूट कर रहा है, बैठ रहा है। अब आपको चेक करना है कि आपके फेस पे कौन सा सही से फिटअप आता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये बाद में यहाँ पे दर्द होगा मेरे, कि ये काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसमें एक फ़ायदा है कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के लगे हुए हैं, तो इससे दर्द नहीं होने वाला। लेकिन ये इसको अगर हम वियर करें, ये कुछ ही घंटों का वियर करें तो ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम आप वियर करेंगे तो आपके यहाँ पर पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ये तो यहाँ पे 100% मैं कह सकता हूँ ये चीज़ है। अब अगर आपकी आदत है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आदत नहीं है आपकी तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है इस गॉगल्स को यूज करते समय, यानी कि इसको अगर आप यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो ओके, बस उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।